नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोम और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में मौसोनी आइलैंड के दूसरे एपिसोड में। पहला एपिसोड आप लोगों ने देखा होगा, ये दूसरा एपिसोड है। दूसरे एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, ये एंट्रेंस, एंट्रेंस से आप सीधे ऐसे जा रहे हो, जाते ही दाहिने हाथ को जो स्पेस है, आप ये स्पेस जो देख रहे हो, ये सीटिंग स्पेस और डाइनिंग स्पेस है। यहाँ पे एक टेंट लगा हुआ है, एक टू पर्सन वाला जो टेंट होता है वो है। इधर ये टेंट है, इधर ये कॉटेज है, ये रहा बॉनफायर नेचर कैंप लिखा हुआ है। इधर ये कॉटेज है और इधर भी जो टेंट है वो टेंट लगे हुए हैं। इधर शायद फैमिली टेंट है, मेरे बाएं हाथ को जो है ये साइड, ये फैमिली टेंट है। मुझे पता नहीं है, मैं बाद में पूछूंगा, अभी लंच कर लूँ। वहाँ संदीपन लॉन नहा रहा है, नहा कर आने के बाद उसे लंच कर लेता हूँ। और ये बंदा जो है ये यहाँ की देख रेख में है। आपका नाम क्या बताया? जाकिर हुसैन जी। तबला वादक जाकिर हुसैन? नहीं, नहीं, नहीं। बंदा बहुत अच्छा हंसमुख, मुरे को तो बहुत हंसमुख लगा बंदा। हाँ, देखो आपके सामने हंस रहा है, अब मैं क्या बोलूँ, जीता जागता उदाहरण। और ये स्टेप है, दो तीन स्टेप है, स्टेप से ऊपर जाना पड़ता है। ये रहा, नीचे बालू है, जैसे मैंने कहा था बलुई मिट्टी। यहाँ पर झूला लगा हुआ है बैठने के लिए, थोड़ा सा जगह। हाँ, इधर ये एक फैमिली टेंट और ये छोटे छोटे सिंगल बेडेड टेंट है, इधर भी, इधर भी, और ये डबल बेडेड टेंट। ये मेरी गाड़ी उधर खड़ी है। और इधर का माहौल कुछ ऐसा है। कुल मिलाकर 3, 2, 5, 5, 6, 7, 8 टेंट हैं जो डबल बेडेड है, और बाकी सिंगल बेडेड टेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सिंगल बेडेड टेंट हैं। और कुछ गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं बाहर से। और सामने का नज़ारा मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, ये देखो हाई कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं कोलकाता से। कोलकाता कहाँ से आए हुए हैं? मैं सॉल्ट लेक से आया हूँ। सॉल्ट लेक से आए हुए हैं, तो सॉल्ट उतनी दूर से आए हुए हैं। तो उधर का जो नज़ारा है वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, बाद में दिखाऊंगा। ये रहा बॉनफायर नेचर कैंप, और नेचर कैंप का यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग भी आप कर सकते हो। ये एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे, फ़ोन नंबर दो फ़ोन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ठीक बगल में मैं आपको दिखाऊँ, ये जो है ये कॉटेज है, बैम्बू कॉटेज है। 1, 2 दूसरा वाला बैम्बू कॉटेज यहाँ पे, ये रहा 2 और 3 बैम्बू कॉटेज है। ये है बैम्बू कॉटेज, बैम्बू कॉटेज का नज़ारा देखो यार। कोई कहेगा बैम्बू कॉटेज में, कोई कहेगा राजमहल में मैं रह रहा हूँ। इतनी खूबसूरत तरीके से सजाया है इन्होंने, ये ऊपर का कुछ सीलिंग इस तरीके से किया, वाह बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा है ये बैम्बू कॉटेज डिजाइन। आप जो देख रहे हो यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन है, यहाँ देखो वाइट एंड ब्लू है इधर, इसके बाद ये मैरून एंड वाइट है, फिर वाइट एंड ब्लू है, मतलब कलर कॉम्बिनेशन भी इनका इतना अच्छा है। और साथ में मेरे साथ मालकिन खड़ी है, मालकिन खड़ी है, रुखसाना इनका नाम है। मुझे सब साना बोलते हैं। हाँ, निक नेम साना से ही बुलाते हैं इनको। ये पूरे, मैं कल से यहाँ पे था, ये पूरे 2 दिन हो गया मेरे को यहाँ रहते हुए, ये पूरे कॉटेज को इन्होंने अकेले संभाल के रखा। मतलब वो होता है ना, नारी अकेले एक उंगली पे संभाल के रखना, वो ये रे, मैंने देख लिया इनको, मैं कल से मैं देख रहा हूँ इनको, ये संभाल के रखी हुई है ये ओनर है। मैंने आपको ऑनलाइन बुकिंग भी हो सकती, मैंने दिखा दिया। और ये कॉटेज का वॉशरूम है, वॉशरूम नीट एंड क्लीन है। ये देखो जिधर से भी दिखाऊं मैं, नीट एंड क्लीन है। इधर एक बेसिन है। इस रूम की जो बात मैं कर रहा था, मैं खुद ही दरवाजा खोल लेता हूँ, मालकिन मेरे साथ खड़ी है। ये एक रूम है, डबल बेड है, और इसके साथ और एक बेड है, मतलब इसके अंदर और एक रूम। अच्छा, एक अंदर एक और रूम है, वाह। ये रहा, अरे वाह 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 भाई, आप सी बीच का नजारा ऐसा है कुछ, देख लो
बोनफायर नेचर कैंप यहाँ लिखा हुआ है, खूबसूरती यहाँ भी है। ये आपका फैमिली फैमिली ये फैमिली यहाँ पे रह सकती है। यहाँ पे दो यहाँ पे चार तकिया है, हाँ, चार तकिया है, लेकिन एक्चुअली कल जो रात में जो थे वो चार जन थे, तो इसीलिए यहाँ पे फोर पिलो है, लेकिन इस बेड पे आप 5% रह सकते हैं बड़े आराम से जी। हाँ। बड़े आराम से, ये देखो, और जाड़े का मौसम आ गया, बड़े आराम से इधर उधर करके आप रह सकते हो। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। ये वॉशरूम है, यहाँ वॉशरूम में भी नीट एंड क्लीन है। इसका मतलब एक एक कैलकुलेशन मेरे को समझ में आई। ये पांच आप लोग अगर मतलब एक ह्यूज टीम आते हो तो हाँ। पांच लोग आप यहाँ रह सकते हो, और यहाँ पे इस रूम में तीन लोग आराम से रखते हो, मतलब आठ लोग बड़े आराम से आप रह सकते हो। एम आई राइट? यस यस यस, यहाँ पे आप लोग ग्रुप करके रह सकते हैं। देखो मालकिन खड़ी है, मालकिन क्या के मैं कुछ बोलूंगा नहीं। ये फैमिली टेंट है, आप देखो जैसे अंदर मैं ये गया, ये रहा पूरा फैमिली टेंट। यहाँ पे चार छह लोग बड़े आराम से सो सकते हैं, रह सकते हैं। देखो यहाँ इन्होंने एक मिनी कूलर भी दे रखा है, ये रहा मिनी कूलर। खिड़की है इधर, आप खोल सकते हो, खिड़की खुला हुआ, और टेंट का कुछ नज़ारा ऐसा है। चार्जिंग पॉइंट इन्होंने दे दिया है, वो किनारे देख रहे हो, चार्जिंग पॉइंट है, और टेंट से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। इस कैंप की एक और खासियत जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो रेड कलर के एक दो तीन इधर भी और हैं, यहाँ पे देखो रेड कलर के चार इधर हैं। कैंप में, कैंप के टेंट में यहाँ पे नाम लिखा हुआ, देखो बोनफायर नेचर कैंप। अब आप सोच रहे होगे कि भाई नाम क्यों लिखा हुआ है, कैंप का तो केचुआ का कैंप है, यहाँ पे देख लो ये जो केचुआ का कैंप है, बट यहाँ पे इनके कैंप का काम क्यों, नाम क्यों लिखेगा? टेंट तो केचुआ का टेंट होता है, वो लगा देते हैं भैया हो जाता है, इनका क्यों? जी हाँ, इनके खुद का बनाया हुआ है, ये जो देख रहे हो आप टेंट, खुद का बना हुआ, खुद का कस्टमाइज किया हुआ है ये। और मैं कैंप टेंट के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है, ये देखो ये अंदर का नज़ारा है। आप अगर उधर खोल दोगे, उधर का दरवाज़ा खोल दोगे, तो वो देखो आपको पूरा सी बीच उधर दिखने को मिलेगा। इधर मैं सामने हूँ, इधर आपको ये दिखने को मिल रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से, और दो तकिया लगे हुए, आराम से दो आदमी सो सकते हैं यहाँ पे, दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइट की व्यवस्था इन्होंने कर दिया, आप जैसा कि देख रहे हो तार लटक रहा है, चार्जिंग की व्यवस्था भी है, हम लोग यहाँ पे फैन भी दे देते हैं, और एज पर मालकिन यहाँ पे गर्मी में फ़ैन भी मिल जाता है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गर्मी में मुझे नहीं लगता जो हवा आ रही है, आप अगर सामने वाला ये खोल दो ना ये पूरा, तो मुझे नहीं लगता कि इतना वो ज़रूरत होगा। समुद्र देखने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, वेट कीजिए, मैं ज़रूर दिखाऊंगा। फिलहाल तो जो मैं हल्का फुल्का जो मैं दिखा दिया वो ये रहा, और चलिए थोड़ा सा लंच कर लेता हूँ, लंच करने के बाद फिर आप लोगों से मिलूँगा। लंच मिल चुका है, लंच कुछ इस प्रकार है, दाल, ये झींगा फिश, ये फिश, ये एक सब्जी, भुजिया, चावल, चटनी, इधर दो प्लेट पापड़ उस किनारे चला गया है, thank you।
हवा इतनी चल रही है कि इस इतनी हवा के चलते मुझे ये वेशभूषा बनाना पड़ा, मुझे ऐसा चेहरा बनाना पड़ा। मतलब बम्पर हवा चल रही है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, पूरा सी बीच है ना, तो इस वजह से मैं इस भेष में हूँ। डरिएगा नहीं, चौक नहीं जाइएगा, कभी कभी ऐसा भेष बनाना पड़ता है और कभी कभी ऐसा भेष बनाना अच्छा भी है। अभी हम लोग जा रहे हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट में, तो वहाँ पे देखना मैंग्रोव जंगल आप लोगों को दिखाएंगे कैसा है। कैंप से अभी निकले हैं, थोड़ी देर हुआ और गाड़ी से ही जा रहे हैं हम लोग, गाड़ी से ज़्यादा समय लगेगा नहीं। और ये गांव है, रास्ता कुछ ऐसा है, इधर भी ये एक कैंप है कोई, ये आप देखो यहाँ पे छोटे छोटे कॉटेज बने हुए हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट जाने का जो रास्ता है वो कुछ ऐसा है, यहाँ पे ये देखो इस रास्ते से आना पड़ेगा, ये एक कैंप है, ये यहाँ पे कैंप है, मैं नाम नहीं पता इस कैंप का। और कैंप के सामने से बगल से ये रास्ता इधर गया हुआ है, ये इस रास्ते से होकर मैनग्रोव फॉरेस्ट जाना पड़ेगा। मैं अभी मैनग्रोव फॉरेस्ट और लोकेलिटी के बीच में एक बांध है, बांध के ऊपर मैं खड़ा हूँ। यहाँ मिट्टी का बांध दिया गया है, ये आप देख सकते हो, बांध के ऊपर मैं खड़ा हूँ। बांध काफ़ी लंबा है, इधर पीछे अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखो, इधर यहाँ से और इधर अगर मैं पीछे दिखाऊँ तो ये काफ़ी लंबा बांध है। और मैंग्रोव फॉरेस्ट को दिखा देता हूँ, एक झलक आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी सुंदरबन में हूँ, मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात आ रही है तो मैं अभी सुंदरबन में हूँ। ये पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट है आप जो देख रहे हो सामने, और सामने देखो कुछ बच्चे, ये कीचड़ वाली जो मिट्टी है, कादा मिट्टी जिसको बोला जाता है, वहाँ पर मछलियाँ या समथिंग कुछ ऐसा पकड़ते हुए, और यहाँ नाव है इधर और इधर ये रहा। अभी हम लोग जा रहे हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर, ये देखो बांध के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ से नीचे उतरकर हम लोगों को बोला गया कि नीचे उतरकर आप लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट जा सकते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट ये कंडीशन है यहाँ पर, और यहाँ हम लोग ना ना ये रहा मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर, लोग कुछ लोग गए भी थे। यहाँ पे पूरा बालू है और इधर जो देख रहे हो इधर ये समुद्र है, समुद्र में यहाँ पर यहाँ का कंडीशन कुछ ऐसा है,
ये रहा समुद्र, वो जो एरिया है आप जो देख रहे हो, ये जो एरिया यहाँ पर, यहाँ ये नदी आकर इस समुद्र में यहाँ पर मिलती है, ये इस जगह पे, इस जगह पे जा नहीं पा रहा हूँ मैं, कोशिश समुद्र और नदी का जो संगम है वो, उसको मैं दूर से दिखा रहा हूँ, ये देखो ये रहा संगम, चलिए ये भी दिखा देता हूँ आप लोगों को और मैं भी खुद एक्सपीरियंस कर लेता हूँ ये चीज, समुद्र और नदी का संगम। देखो मैंने कभी नहीं देखा, पहली बार देख रहा हूं मैं, बड़ा ही रोचक एक्सपीरियंस है, बड़ा ही रोचक एक्सपीरियंस है। ये रहा समुद्र, एकदम समुद्र के करीब हूं मैं, एकदम करीब हूं, और ये जो संगम है यहां पर देखो, ये देखो यहां पर ये संगम है, ये जो इलाका है यह संगम है, और जो जमीन का लास्ट पॉइंट ये रहा, आप जो देख रहे हो एकदम किनारा देख रहे हो, जमीन का लास्ट पॉइंट ये है, इधर पानी, इधर पानी, इधर भी पानी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा नज़ारा शायद कभी दिखने को मिले, मुझे तो दिखने को मिले, शायद कभी दिखने को मिले, मैं आया हूँ, कोशिश करूँगा एक बार और आने को। এইখানে যে আপনারা ম্যানগ্রোভটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে একটা সুন্দর একটা নদীর শাখা ছিল, এই শাখাতে এখানে আগেকার ইংরেজ আমলে এখানে একটা লবণ সেন্টার ছিল, এখান থেকে টোটাল লবণটা উৎপাদন হতো। আই থিঙ্ক পরে আবার এই শাখাটা পরে পরে বালিতে ভরে গেছে। এই মুহূর্তে আপনারা এইখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা বড় ফিশিং ট্রলার, বড় জাহাজ এখানে ডুবে আছে, এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা বড় জায়গা বা সুন্দর একটা নাশা ছিল, এখন ওটা ভরিয়ে গিয়ে এখন বর্তমান ছোট ছোট নৌকোগুলো সাইডে পুরো ভরে গেছে এবং ম্যানগ্রোভটা পুরো ভরে গেছে বালিতে ভরে ভরে, এরকম একটা পরিস্থিতি। নমস্কার মৌসুমী আইল্যান্ড, আপনারা সবাই আসবেন, জায়গাটা খুব ভালো এবং দেখবেন উপভোগ করবেন, অবশ্যই। ঠিক আছে রাখছি, নমস্কার। इस आइलैंड की एक खासियत भी है, अभी अभी लोकल से पता चला, जैसे ये जो पीछे मेरे खड़े हैं लोकल, इनसे अभी अभी पता चला, ये जो मेरे पीछे का जो ये इलाका देख रहे हो, यहाँ पे अंग्रेजों के ज़माने में सॉल्ट बनाया जाता था, सॉल्ट का सेंटर था ये, यहाँ पे सॉल्ट बना के यहाँ से ले जाया जाता था, प्रोडक्शन होता था और ले जाया जाता था। और पीछे मैं आपको अभी लिए चलता हूँ, एक बड़ा आश्चर्य वाली बात देखोगे, जो जीता जागता प्रमाण है वहाँ पे मैं लिए जा रहा हूँ आपको, ये 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 पीछे, ये देखो मेरे पीछे, ये देख रहे हो, ये एक टूटा हुआ जहाज है, ये देखो मैं हाथ लगाए हुए जहाज पे टेक लगाकर मैं खड़ा हूँ, ये टूटा हुआ एक जहाज है जो कि ये एक्चुअली अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये एक्चुअली समुद्र और नदी, ये जो मैंने बताया इधर नदी और इधर ये समुद्र, इसका मुहाना था और मुहाने में किसी कारणवश ये आके ये जहाज देखो आप पर डूबा हुआ, ये फंस गया है और टूटा हुआ, ये बहुत पुराने ज़माने में आकर ये फंस गया, तो नदी का मुहाना जो था वो ये भी था, मुहाना वहाँ चला गया, वो जो आप देख रहे हो वहाँ चला गया,
तो इस जगह की जो खासियत है, हम लोग मौसोनी घूमने आए थे ठीक है, लेकिन जो खासियत हम लोग जो देखे ना ये आज की बात नहीं है। और एंड पॉइंट मैं दिखा दूँ, जमीन का जो एंड पॉइंट वो मैं दिखा दिया हूँ उधर सामने, वो एंड पॉइंट है। तो दोस्तों इस कैंप के बारे में बहुत समझाया, कैंप का नाम जैसा कि मैंने दिखाया बोनफायर नेचर कैंप। कैंप के ओनर का बिहेवियर बहुत अच्छा, यहाँ का एटमॉस्फियर भी काफ़ी अच्छा एटमॉस्फियर। और ये देखो पीछे एक झूला, एक क्या दो तीन झूले हैं। एटमॉस्फियर भी कैंप का बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। एकदम समुद्र के किनारे हैं, अभी ज्वार चढ़ा हुआ है पीछे आप देखो। रेट वगैरह मैं नहीं बताया, डिस्क्लोज़ किया, फ़ोन नंबर दे दिया हूँ, फ़ोन नंबर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, कांटेक्ट करके जैसा लगेगा वैसा आप लोग कीजिएगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और हाँ एक और बात जो भूल रहा था मैं, इस आइलैंड की एक खासियत जो है वो खासियत भी मैंने दिखाया, मैनग्रोव फॉरेस्ट और उसकी जो खासियत है वो खासियत मैंने दिखाया। ये मुझे भी नहीं पता था, अचानक आकर यहाँ पता चला तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि भैया ये खासियत है इस जगह की। तो चलिए फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगा एक नए ब्लॉग में, एक नए खोज में, एक नई दिशा में। नमस्कार, बी इंडियन।